सदर आसिफ जरदारी छवी आईनी तरमीम से सही कर छी सदर की सही का आईनी तरमीम की मंजूरी जो गजट नोटिफिकेशन जारी नोटिफिकेशन जरिए छवी आईनी तरमीम लागू हुकूमत जो चीफ जस्टिस की मुकर्री लाय फौरी पार्लियामानी कमेटी कायम करने जो फैसलो। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई इंट्रा पार्टी चून फैसले खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त रद्द कर छी पीटीआई इंट्रा पार्टी चून फैसले खिलाफ दाखिल नजरसानी दरख्वास्त से चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में बुधनी नजरसानी दरख्वास्त से अदालती फैसले की कानूनी हैसियत से सवाल थियन था। फैसले में कें भी किस्म की गलती जो हवालों ना दिनों वो चीफ जस्टिस काजी फाजीसा जहाँ बुधनी दौरान रिमार्क। हुकूमत बिन्हीं अवानन में ब भांगे टे अक्सरियत हासिल करने में कामयाब सेनेट का कौमी असेंबली में छवी आईनी तरमीम जो बिल मंजूर इजलास दौरान शुरुआती बिन शिकन के मंजूरी दौरान 225 मेंबर तरमीम के हक में वोट दिनों 12 मेंबर मुखालफत में वोट दिना अपोजिशन मेंबर जो ऐवान जो बाइकाट बाद में अपोजिशन मेंबर बाइकाट खत्म कर वापस ऐवान वापस अची वाया। छवी आईनी तरमीम से अज नव सिज उभरंदो अज एक तारीखी डी है ही यकजहती इतफाक़ राय जो शानदार मिसाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कौमी असेंबली में खिताब संदस चवण है शहीद बेनज़ीर भुट्टो ए नवाज शरीफ जो ख्वाब पूरो थी वयो मिसाके जमहूरियत मुझे कायद ए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सहयू क्यों आईनी तरमीम लाए असा कें भी लोटे जो वोट इस्तेमाल ना ही कयो अज तय थी वयो तो पार्लियामेंट्री सुप्रीम है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी छवे ही आईनी तरमीम के सियासत जमहूरियत जो फतह करार दई छो कारे नांग केतरन ही वजीर आजम के फारिग करा एक वजीर आजम खत न लिखण से घर भेड़ो किया वो एक चूंडियल वजीर आजम के पुट का 10,000 धर्म न वठण से हटाया वो पार्लियामेंट की चौधारी घुमंदड़ कारो नांग इफ्तिखार चौधरी की अदालत हुई असा 58(2) भी खत्म किया अदालत सादिक अमीन के जरिए 58(2) भी पान वट रखी छो मुशरफ राज इजाजत अदालत दिनी वर्दी में सदर की इलेक्शन वड़न की इजाजत भी अदालत पारा दिनी वही। पीपल्स पार्टी चेयरमैन जो कौमी असेंबली खिताब आईनी तारीख साबित कंदी छवी आईनी तरमीम पाकिस्तान के अवाम के हक में है आईनी तरमीम ला सब का मौलाना फजल रहमान की मेहनत है संदस किरदार तारीख में सदाई याद रखो वो। बिलावल भुट्टो जरदारी की काविश के खराज तहसीन पेश करें तो मुतफिक आईनी तरमीम लाए पूरी कोशिश कई अल्लाह ताला सरखुरू कयो ही जेड़ो तरमीम ते न पर शख्सियतन के हवाले से है जेयूआई सरबरा मौलाना फजल रहमान जो कौमी असेंबली में खिताब चवे तो तरमीम में इहा भी तजवीज़ हुई तो जजिस के अंग में इजाफो कयो वने असा के एक गाल समझण घुर्जे तो ही सिर्फ इखलाकी मुहिदो है एक जज का हुक्मरान पार्टी तबे का मुखालिफ दुर घबराई रही है छवी यानी तरमीम जो मसवदो शुरुआती तौर 56 नुकतन से बधल है। आईन के धारो सब का पे 1958 में हयो वो पार्टियों बदलाने से इंसान जमीर न बदलजन घुर्जे असा मिसा के जमहूरियत तहत अगते वधी रहा हूं नवाज शरीफ के पुट का पगार न वठण तहदे हटाया वो अज इक्तदार सत मानू से वही अवाम के मुंतकिल कर रहा हूं हुकूमती बेंचिस से मौजूद 4 मेंबर पीटीआई जहा नफर आजाद मेंबर आन वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ जो कौमी असेंबली में खिताब। छवी आईनी तरमीम के अवाम की हिमायत हासिल ना है कानून वाले वजीर के भी आईनी खबर ना है आईन त मसवद में है मुखालिफ धुर के अगवाण उमर अयूम जो कौमी असेंबली के इजलास में खिताब चवे तो असाजे मेंबरन के हिरासा कर हुकूमती बेंचेस से विहार पे जैसे तरमीम 31 अक्टूबर से मंजूर थे हाँ तो पवे हाँ सीनियर सूबाई वजीर शर्जी के नाम मेवण की आईनी तरमीम के मंजूर से पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के भेटा पेश चवे तो छवी आईनी तरमीम जो मकसद कौम के मुतहद ही वफा के मजबूत करना है सियासी कुवत के उनके पोयां मुतहद थियण घुर्जे पीटीआई तकसीम की सियासत छे कौम की फलाल है आईनी तरमीम की हिमायत कर मिसा के जमहूरियत में सूबाई नुमाइंदगी के यकीनी बनाने वफा के मजबूत करण से इतफाक थो है मिसा के जमहूरियत तहत आईनी तरमीम सूबाई नुमाइंदगी के यकीनी बनाने तरफ मस्बत कदम है।
परे वजीर मुराद अली शाह छवी आइनी तरमीम की मंजूरी से पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुबारकबाद। मुराद अली शाह चवे तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहनत और कोशिशों से तरमीम मंजूर थी। इतफाक राय पैदा करने बिलावल भुट्टो जरदारी कायदवारों किरदार अदा कर जै आइन के शहीद भुट्टो ठा बिलावल भुट्टो जरदारी उन तकमील कई आइनी अदालत ए जजेज की नुमाइंदगी शहीद बेनजीर भुट्टो जो ख्वाब हो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बालादस्ती से यकीन रखे थी। कराची में 19 अक्टूबर से डेंगू जा 10 केस रिपोर्ट। ओभर जिले में 5, सेंट्रल जिले में 4, दक्षिण जिले में 1 डेंगू जो केस रिपोर्ट थो। सेहत खाते मूजिब कराची में हलंदड़ महीने मजमूई तौर से डेंगू जा 216 केसिस सामू आया। हलंदड़ साल डेंगू जा 1599 केस रिपोर्ट थे। नकीबुल्ला कत्ल केस राव अनवार की बरियत खिलाफ अपीलों से बुधनी सिंध हाई कोर्ट धुरन के नोटिस जारी कर जवाब तलब कर वरतू। दहशतगर्दी टू अदालत अहम सबूतन के नजरअंदाज कर राव अनवार के बरी कर दरख्वास्त मकतूल नकीबुल्ला के भा आलम शेर तरफा दाखिल कई वही। अदालत अपील की बुधनी बिन हफ्तन लाए मुलतवी कर छी। कराची के इलाके सोराब गुठ में सीटीडी की कार्रवाई टे दहशतगर्द गिरफ्तार हथियार थे। सीटीडी तर्जुमान चवे तो दहशतगर्दन जो तालुक फितनल ख्वारिज से है। जवाबदार ने एतराफ़ किया तो पुलिस से हमले जो टास्क मौलाना बशीर दिनों हो। गिरफ्तार जवाब दहशतगर्दन जो जून महीने में पुलिस से हमलो किया हो। हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद एक जख्मी थो हो। मलीर जी लांधी जेल में अगवा इंजाती केस जो कैदी फरार थी वयो। पुलिस मौजब जेल में जवाबदार मोहम्मद जावेद बैरिक नंबर 5 के वॉशरूम की भित टुपी फरार थी वयो। जेल इंतजामिया असिस्टेंट सुप्रीडियन समेत 8 अहलकारन के मौतल करे गिरफ्तार करे वरतो। कंदकोट में गुजरल ही बिन धुरन में झेड़े दौरान मारजी वैलन जा लाश अस्पताल मुंतकिल। 6 जणन जा लाश पोस्टमार्टम लाइ सिविल अस्पताल कंदकोट आंदा वया। मारजी वैलन में उबैदुल्ला जागीरानी, सनाउल्ला जागीरानी, दहर जागीरानी बया शामिल। वाक़े जो केस इन वक्त ताई दाखिल न थियो आहे। शिकारपुर पुलिस पारा धाड़ियल दिलबर तैगानी के मारण की दावा। पुलिस जो गढ़ी तेगो कच्चेवारी इलाके में ऑपरेशन दौरान धाड़ियल दिलबर तैगानी फायरिंग में मार्च वयो। पुलिस मौजूद दिलबर तैगानी ते अगवा कत्ल ए फुर जा केस दाखिल होया। काजी अमन भरसा तशद थियल शख्स जो लाश हथ मशाइख स्टाफ भरसा केले के बाग में तशद थियल लाश मिलो। कोट लालू भरसा औरत जो घर में लाश हथ संदस मुड़स से कतल जो इल्ज़ाम। अमन चौधरी भरसा मरियम जाल गुलाम अमन खास किली जो घर में लाश मिलो। वाक़े की इतलात पुलिस पहुंची मकतूला जो लाश अस्पताल मुंतकिल कर। वगण भरसा नींगर पैर तिरकण सबब शाख में बुरी फौत। कोठियारू देरो में 5 वरियन जो नींगर जमीर पमर पैर तिरकण सबब शाख में बुरी वयो। कोठाणन पहुंची नींगर के अस्पताल पहुंचायो जिथा डॉक्टर ने संदस तस्दीक थियण जी फौत थियण जी तस्दीक कई। मदेजी में गोठानन जो बिन मुगन की बाजाबी ला धरणो। हफीज पंवर ए अली गुल पंवर के वारसन तरफा सखर लाड़कानो में मुख रोड से धरणो वयो। वारसन जो मुगबिन के बाजाब कराने जो मुतालबो।